और दूसरी चीज़ की बात बता दूँ, इसकी खतरनाक बात इसी से साइन। हेलो एवरीवन, आई एम ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है, और आप लोगों को मैं विश कर रहा हूँ कलरफुल फेस्टिवल और होली की बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएँ, हैप्पी होली। और बहुत ही कम से कम और अच्छे से अच्छे क्वालिटी के कलर का यूज़ करें अपनी स्किन पे और बॉडी पे, और कोई भी ऐसे हानिकारक कलर, कोई केमिकल का इस्तेमाल अपने ऊपर बिल्कुल भी ना करें, ना किसी दूसरे के ऊपर करें जिससे किसी को कुछ हार्म हो। और दूसरे नंबर पे आते हैं, अपने एक्वेरियम में भी वही हाल होता है, हम लोग बहुत सारे कलर्स, और मेरे पास मोस्टली जो कस्टमर्स आते हैं तो बोलते हैं कि आप भैया अपने एक्वेरियम में कलर वाली दवाइयाँ दे दीजिए, कलर दे दीजिए जिसको मछलियों में डाल दें, एक्वेरियम में डाल दें। तो उसको मैं कुछ क्लियर करना चाहता था, एक्वेरियम में पाए जाने वाले कलर, एक्चुअल में रियलिटी ये है कि एक्वेरियम का पहली बात तो कोई कलर नहीं होता, मेडिसिंस होती हैं जो कि केमिकल, और उन पे जो मिनरल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनकी वजह से उसके कलर होते हैं। मेरा नेचुरल टैंक का सेटअप है, आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी खूबसूरत ब्यूटीफुल, बिकॉज इसमें हम लोग टाइमली और काफ़ी मेंटेनेंस होता है, काफ़ी टाइम टू टाइम सारी कुछ चीज़ें करते रहते हैं, ना ही कोई चीज़ ज़्यादा ना ही कोई चीज़ कम, सब चीज़ के एक संतुलन बनाना पड़ता है। मेरे पास आप लोग देख रहे हैं कुछ एंटीज और जन हैं, और बहुत सारे लोग सोचते हैं एंटीज होती क्या है, ये ब्लू कलर होता क्या है, एक्चुअल में होता है मैथैलिन ब्लू। मैथैलिन ब्लू एक केमिकल होता है जो कि बहुत कहा जाए तो एक पुराने ज़माने से यूज़ हो रहा है, और ये मछलियों में इसका जो इस्तेमाल है इनके इचेस मारने के लिए, फंगल इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए बॉडी का, वो तो ज़माने से सदियों से चल रहा है। और इसका जो फार्मूला होता है आप लोग देख सकते हैं, अब आप लोगों को मैं बता दूं, ये मेरे पास मैथैलिन ब्लू का पाउडर है, और ये मैथैलिन ब्लू के फार्मूले से बने हुए इसी के लिक्विड्स हैं, जो कि एक तो ये सिंगापुर से आता है रिडाल एंटीज, जिसकी कीमत सब लोग जानते हैं 120 रुपीज़ के आसपास होती है। ये होता है कोलकाता से आता है, जो कि लगभग 20 रुपीज़ का होता है। इसके वीडियोस मैं भी और बहुत सारे लोग पहले ही भी बनाए हुए हैं। मुझे क्यों बनाना पड़ा, एक तो ये आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि ये कलर नहीं है, एक फार्मूला है जिसका मैं एक्चुअल में ओरिजिनल मटेरियल लेके आया हूँ आप लोगों के पास में, साइंटिफिक, जो कि वैज्ञानिक लोग बनाए हुए हैं फिशेस को यूज़ करने के लिए। आप लोग पहले से देखें कि क्या चीज़ है, कहाँ मिलता है, कितने का मिलता है, इसके बारे में सारी डिटेल। एक्चुअल में जो आपको एंटीज मिलता है मार्केट में, चाहे वो कोलकाता में हो, दिल्ली में हो, जो भी लोकल एंटीज होता है वो इसी पाउडर से बनाया जाता है। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता होगा, हम भी इसे बना लेंगे घर में, इतना सा आप एंटीज समझ सकते हैं कि लगभग कहा जाए तो इतनी बड़ी बॉटल तक का ये बन सकता है एंटीज, अगर इसको उस रियल फार्मूले से बनाया जाए तो। लगभग मान लेते हैं कि ये इतना एंटीच और ये इतनी बड़ी बॉटल, इसी का जस्ट अगर डबल कर दे तो इतनी बड़ी बॉटल बनती है, जो मार्केट में लोकल लोग अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और ये एंटीच वगैरह मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो इसी पाउडर से बनाते हैं पानी मिला के, जिस वजह से इतनी ज़्यादा कारगर नहीं होती, क्योंकि इसमें पानी का यूज़ नहीं किया जाता है। आप इसे डायरेक्ट एक्वेरियम पे डालेंगे तो ये वर्क करेगा, ये पाउडर बहुत, इसी पाउडर में पर लोग पानी मिला के ऐसे किसी डिब्बी शीशी में रख देंगे तो इसका जो फार्मूला है वो क्रॉस हो जाएगा, और पानी से मैच होने के बाद वो धीरे धीरे उसकी जो क्षमता है वो कम हो सकती है, और यह हो सकता है उसका वो उतना असरदायक ना हो, यह हो सकता है उसका मैथैलिन भी ख़त्म हो जाए। सेकंड नंबर पे मैं जिसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, ये एक ऐसा और इतना कहा जाए तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है और इतनी कारगर और इतना ज़बरदस्त फार्मूला है, हमेशा आप लोगों को एक्वेरियम में डाल के दिखाता हूँ। जैसे ही होली के कलर आते हैं ना, कुछ ऐसा ही होता है, हो सकता है कि कुछ आप लोग देख सकते हैं, मैं कुछ इस पाउडर की बूंदे डाला हूँ, आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा कि कैसे पानी से रिएक्ट कर रही है, और मुश्किल से देखें कि एक चावल के आधे दाने से भी कम मैं डाला था, और वो कैसे फैल रहा है। थोड़ा सा और डालता हूँ बस, ये लगभग चावल के दाने का एक तिहाई भाग है, और देख सकते हैं कैसे ये फैल रहा है, और कितना डार्क है और कितना असरदारक है, जैसे लग रहा है कि कोई नील है या कलर है या होली का, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं, काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ है, कोई नीली नील नहीं है और ना ही ये कोई कलर है। ये एक्चुअल में इसका जो अभी रिसेंटली जो आविष्कार हुआ है अभी ह्यूमन के ऊपर, इंसानों के लिए, जो इंसान के शरीर में जब कोरोना वायरस आया हुआ था, तो
तो बहुत सारे डॉक्टरों ने, जैसे फेफड़े में कोरोना वायरस का फैल जाता है, जो वायरस होता है और फेफड़े के अंदर कोई दवाई नहीं जा पाती, तो इसका एक फार्मूला बनाया गया था, वो था मेथैलिन ब्लू का, अभी रिसेंटली 2 साल पहले। उसके बाद इसको ह्यूमन में यूज़ किया गया और उसमें कारगर इतना पाया गया कि इससे कोरोना की दवाई भी बनाई गई। बहुत सारे डॉक्टरों ने इससे मरीजों को ठीक भी किया कोरोना वायरस के, फेफड़े के इन्फेक्शन को ख़त्म करने में सिर्फ मेथैलिन ब्लू का ही योगदान था, आप लोग जो मेरे हाथ में देख रहे हैं। लेकिन ये केमिकल वाली नहीं, ये दो तरह की आती हैं, एक साइंटिफिक होती है किसी, कहा जाए तो केमिकल को बनाने के लिए या किसी, जैसे फिशरीज़ की है, इसको कुछ प्रोसेस करके, इसे कुछ चीज़ें कम और ज़्यादा करके ह्यूमन के लिए बनाएगी, जिसका सिरप वगैरह बना के पिलाया जाता है, जिसके बाद पेशेंट वगैरह ठीक हो जाते थे और इनको जो बॉटल चढ़ती थी कमजोरी, वो पानी के कुछ होता है दवाई वगैरह डॉक्टर लोग चढ़ाते हैं, उस पर मिलाने जाया लगा, उससे मरीज़ ठीक होने लगे। अब तो खैर कोरोना वायरस ख़त्म हो गया और उम्मीद करते हैं ऐसा कोई वायरस नहीं आएगा जिसकी वजह से दुनिया के लोग और किसी भी देश के लोग इतना ज़्यादा परेशान और कोई प्रॉब्लम होगी। और इसको यूज़ करने के बाद देखा गया कि सब लोग ठीक हो रहे थे, ऐसे हम लोगों की मछलियाँ ठीक हो जाती है, क्योंकि ऐसे मछलियों के साइड में फंगस मारती है ज़्यादा वाई, और या वाइट स्पॉट्स ख़त्म करती है, वाइट स्पॉट एक फंगस ही होता है, और ऐसे फेफड़े भी फंगस जमते थे। तो मतलब ये कुल मिला के कहीं ना कहीं से मछलियों के ही द्वारा कोई डॉक्टर ने प्रयोग किया होगा कि ये मछलियों को जहर भी नहीं है और ऐसा जहर है जो कि फंगस को मार रहा है और उससे जीव को कोई हार्म नहीं हो रहा है, ऐसे मछली है इसके ऊपर वाइट स्पॉट है, हमने मेथैलिन ब्लू डाली तो ये मछलियों का वाइट स्पॉट तो ख़त्म कर देगा और मछलियों को उतना हार्म नहीं करेगा, लेकिन कर भी सकता है अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस अपन लोगों ने बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं। और दूसरी चीज़ की बात बता दूँ, इसकी ख़तरनाक बात, इसी से साइनाइड जहर भी बनाया जाता है, जिसको मात्र सिर्फ जीप में रखने से ही आदमी की मौत हो जाती है, इस चीज़ को बिल्कुल भी ना भूलें। तो कृपया बच्चे जो लोग इन सब चीज़ों के केमिकल के बारे में नहीं जानते हैं या बहुत चीज़ें नहीं करते, तो ऐसा पाउडर बिल्कुल ना खरीदें। इस पाउडर की कीमत लगभग 600 रुपीज़ होती है और ये मेड इन इंडिया है और इसमें काफ़ी कम मात्रा होती है। मैं आप लोगों को इस पर दिखा देता हूँ कितने ग्राम ये 600 रुपीज़ का है, जो शायद सिर्फ मैं 25 ग्राम, जबकि 120 रुपीज़ की एक इम्पोर्टेड रिटाल एंटीज की बॉटल मिल जाती है। ये पाउडर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए मंगाया था कि मैं दिखाऊंगा भी, यूज़ भी करूंगा, कि आप लोग भी जान सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो लोकल मेडिसिन वगैरह बनाते हैं कंपनी वाले, फैक्ट्री वाले इंडिया में, वो कैसे सब कैसे। जनरल एड तो बहुत तरीके से बनाई जा सकती है, लोग तो हल्दी और नीम भी डाल के बना लेते हैं, या आपकी जैसे मल्टीविटामिन के इंसानों वाली कैप्सूल वगैरह होती हैं उनसे भी बन जाती हैं। फिर एक होती है ये आपका मेथैलिन ब्लू, जिसका फार्मूला आप लोग देख सकते हैं कैसे बनाया जा सकता है और कैसे वर्क करता है और कितनी कारगर चीज़ है। अब तीसरे नंबर पे आता है एंटी क्लोरीन, जो लोकल वाला होता है, जो कोलकाता पे बनता है, उसमें तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत हाई लेवल का TDS का पानी डाल दिया जाता है, जिससे पानी में कैल्शियम वगैरह और मिनरल्स मेंटेन हो जाते हैं सिर्फ। लेकिन जो आपका सिंगापुर वाला एंटी क्लोरीन होता है, उस पर ओरिजिनलिटी में वो फार्मूला होता है जिसकी वजह से क्लोरीन रिमूव होता है, ओनली फॉर उसी पे होती है वो चीज़, मैंने जो नोटिस किया है, वो डालने के बाद समझ में भी आता है। और ये आप लोगों को मैं बता दूं कि आज मेथैलिन ब्लू के अपन लोग एक्वेरियम में यूज़ करने वाली पूरी चर्चा है, या बहुत सारे लोग जिसकी कंपनी खोलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनके लिए एकदम मददगार चीज़। आप लोग भी इस पर कुछ रिसर्च कर सकते हो, जान सकते हो, पूरा पढ़ सकते हैं इसके बारे में, पूरी विकिपीडिया वगैरह में हिस्ट्री आप लोगों को मिल जाएगी। और बाकी ये चीज़ आपको अगर चाहिए और ऐसा इसका काम करना चाहते हैं, आप भी देखना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप लोगों को इसको साइंटिफिक की दुकान, जहाँ पे कहा जाता है प्रैक्टिकल के सामान मिलते हैं स्टूडेंट्स के, केमिकल की जो शॉप होती है उस पे मिल जाएगा। उस पे आप मांगने के लिए मेथैलिन ब्लू पाउडर मांग लेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा और आपकी मछलियाँ एकदम से मस्त हेल्दी, हेल्थ और वेल्थ सब कुछ मेंटेन रहेगी और आपकी मछलियाँ भी कलरफुल रहेंगी। जैसे हम लोग कलरफुल फेस्टिवल और सभी को कलरफुल बहुत कलर पसंद होते हैं, तभी तो हम लोग साल भर में एक बार खुद ही पूरे कलरफुल होने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को एलर्जी होती कलर वगैरह, जिस वजह से वो लोग नहीं खेल पाते होली वगैरह, कलर नहीं मनाते। जैसे मैं कलर नहीं खेलता हूँ, पहले बचपन में खेला करता था, क्योंकि मुझे भी एलर्जी होने लगी थी कि उसके साइड इफेक्ट होने लगे मेरी बॉडी वगैरह में, मैंने बंद कर दिया कलर एकदम से खेलना। लेकिन इसीलिए मैं एक्वेरियम में अपने पूरे एकदम कलरफुल फिशेस रखता हूँ, जिसको मैं देख के काफ़ी खुश हो जाता हूँ, मुझे कलर खेलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टली कलरफुल नेचर अपने पास में रखा हूँ, उसे मैं देखता हूँ काफ़ी खुश रहता हूँ और आप लोगों को इसकी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इससे आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हो। तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, बाय बाय।